we're going to go over how to start the meeting and how to use Zoom. तो मैं दो तरीके बताऊंगा आपको जिससे कि आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं. एक तो आप यहां से अपने zoom.us पे जाके अकाउंट में लॉगिन करिए जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था, तो वो यूज़र आईडी यूज़ करके. और फिर आप यहां से कर सकते हैं होस्ट अ मीटिंग विथ वीडियो ऑन, या आप ये कर सकते हैं कि आप Zoom क्लाइंट को लॉन्च करें अपने लैपटॉप पे या मैकबुक पे और उसमें साइन इन करें. तो आपने जो अकाउंट बनाया था उससे लॉगिन करें. और जो आप इसमें लॉगिन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी. आप इसमें सिंपली क्लिक करिए न्यू मीटिंग यूजिंग योर पर्सनल मीटिंग आईडी एंड दैट्स इट. इसमें आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी इनविटेशन एंड देन स्टार्ट. सो ये हमारी जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो. ये हमको ऑप्शन चूज करना है. इसमें आप टेस्ट यदि आप चेक करना चाहते हैं कि आपका माइक्रोफोन और स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसमें ये एक ऑप्शन है. एंड देन यू क्लिक ऑन ज्वाइन विद कंप्यूटर ऑडियो. सो नाउ ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है. जो हमने लिंक कॉपी किया था हम उसको यूज़ करके व्हाट्सएप के थ्रू इसका लिंक भेज देते हैं. तो ये व्हाट्सएप से लिंक जा चुका है और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ज्वाइन करना चालू कर दिया है. आप ये देख सकते हैं जैसे जैसे स्टूडेंट ज्वाइन मीटिंग करेंगे आप यहाँ देखेंगे कि आपके मैनेज पार्टिसिपेंट में उनके नाम ऐड होता जाएगा. तो यहाँ देख रहे हैं आप कि एक स्टूडेंट हमारे ज्वाइन हो चुके हैं. अभी हमारा कैमरा ऑफ है तो कैमरा ऑन करने के लिए आप ये स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करिए और ये कैमरा हमारा ऑन हो चुका है. तो इसमें आप अपने वीडियो को यदि हाइड करना चाहते तो आप ये हाइड सेल्फ व्यू क्लिक कर सकते हैं, या आप इसको प्रोमिनेंट रखना चाहते तो आप पिन कर दीजिए. यदि आप इसको पिन वीडियो कर देंगे तो आप का वीडियो प्रोमिनेंट स्क्रीन पे दिखेगा. हेलो शिल्पा जी, आपने ज्वाइन किया है एज अ स्टूडेंट. तो हाँ, तो ये हमारे स्टूडेंट की आवाज आ रही है और इस तरह से जैसे जैसे स्टूडेंट ज्वाइन होते जाएंगे वो अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके आपसे बात कर सकते हैं. और यदि आप चाहते हैं कि वो म्यूट पे रहे तो आप सबको म्यूट ऑल कर सकते हैं यहाँ से. टू शेयर द इंफॉर्मेशन आपके पास दो तीन ऑप्शन हैं. पहला ऑप्शन है कि आप वाइट बोर्ड यूज़ करें. तो यदि आप वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप शेयर में जाएं, यहाँ पे वाइट बोर्ड पे क्लिक करें एंड शेयर. तो ये वाइट बोर्ड एप्लीकेशन जूम की है वो ओपन हो जाएगी. अपने हिंदी टीचिंग के हिसाब से ड्रॉ ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है. यदि आपके पास टच स्क्रीन लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप उसमें इजीली ये चीज़ें टाइप कर सकते हैं. नहीं तो आप माउस से भी इसको ट्राई कर सकते हैं जैसे कि मैं ये ट्राई कर रहा हूँ. और यही सेम चीज़ अभी सारे स्टूडेंट्स के स्क्रीन पे दिख रही होगी. तो एक तो ये ऑप्शन हो गया. दूसरा ऑप्शन जो है आप अभी यदि आप बुक से पढ़ा रहे हैं
तो आप सिंपली अपनी बुक लीजिए और उसको कैमरे के सामने करिए, और बेसिकली आप उसमें जो भी पेज आप कर रहे हैं वो उसको कैमरे से दिखा के आप पढ़ा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है, यदि आपने पीडीएफ फाइल बना रखी है या वर्ड फाइल बना रखी है और आपको उसको शेयर करना है, तो आप पहले उसको ओपन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने ओपन की हुई है एक पीडीएफ फाइल जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, तो मैं इसको बेसिकली वापस से शेयर स्क्रीन ऑप्शन पे जाऊँगा। एंड इसमें मुझे ये जो फाइल मैंने ओपन की थी ऑलरेडी दिख रही है कि ये वाली फ़ाइल मेरे को शेयर करनी थी, एंड देन आई विल शेयर दिस। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल अभी सभी लोगों को विजिबल है। यदि मैं चाहूँ तो इस पर मैं एनोटेट कर सकता हूँ, तो जो भी आपने वर्ड डॉक्यूमेंट खोला यदि आपको उसमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप उसको यूज़ करके आप बोले कि देखिए ये वाली लाइन पे आपको ध्यान देना है, तो इस तरह से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखना है तो वो भी कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें पॉसिबल है। तो इस तरह से आप शेयर कर सकते हैं। यदि आपको किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं। यदि आपने स्टूडेंट्स को बोला है कि जो मैंने आपको डिक्टेट किया था वो आपने कैसे लिखा है वो दिखाइए, तो स्टूडेंट्स उसको उस जो उनने पेपर पे लिखा है उसको अपने कैमरे के सामने आपको दिखा सकते हैं और उससे आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये है तरीके, और आपको यदि स्टॉप शेयरिंग करनी है तो आप जस्ट पे क्लिक करिए स्टॉप शेयर एंड देन शेयरिंग विल एंड। तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीन स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे इस सेशन में है, और आप किसी भी स्टूडेंट को अनम्यूट करके आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको मीटिंग ख़त्म करने के लिए सिंपल इस लिंक पे क्लिक करना है और उससे आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। ये चैट ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं यदि आपको किसी स्टूडेंट को मैसेज भेजना है या सबको मैसेज एक साथ भेजना है, और आपका सम रीज़न किसी का ऑडियो काम नहीं कर रहा है या सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप उसको चैट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं या स्टूडेंट चैट ऑप्शन यूज़ करके मैसेज भेज सकते हैं। इस मीटिंग को एंड करने के लिए जैसे मैंने क्लिक किया एंड मीटिंग फॉर ऑल, अब आप देख सकते हैं हमारी मीटिंग में और भी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। उमेश जी एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, तो वेलकम उस स्टूडेंट उमेश जी। अमित जी एक प्रश्न है मेरा। हाँ जी, तो सभी स्टूडेंट्स अपना ऐसे वीडियो जो है टर्न ऑन कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट? जी हाँ, अभी किया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बस मेरा एक सजेशन है सभी के लिए कि यदि आप एज अ टीचर होस्ट इवन स्टूडेंट्स यदि वो हेडफोन यूज करें तो उससे क्वालिटी अच्छी आएगी और लोगों को इको भी सुनाई नहीं देगा। तो बस इसके साथ ये मीटिंग ख़त्म हम करते हैं, उसके लिए एंड मीटिंग पे क्लिक करिए एंड मीटिंग फॉर ऑल। ये हम 40 मिनट वाले सेशन कर रहे हैं, सो लेट्स सी हमारा 40 मिनट ख़त्म हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको एंड मीटिंग करेंगे, और फिर सेम लिंक जो हमने भेजा था पहले उसको हम सभी स्टूडेंट को बोलेंगे कि दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट नेक्स्ट 40 मिनट की मीटिंग स्टार्ट हो सके। तो अब जैसे ही मैं एंड मीटिंग पर ऑल करूँगा यहाँ पे ये मीटिंग ख़त्म हो जाएगी, और आप सभी स्टूडेंट्स को बोलिए कि फिर से उसी लिंक पे क्लिक करें। तो स्टूडेंट्स मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, आप लोग फिर से उस लिंक पे क्लिक करके मीटिंग दोबारा ज्वाइन करें। तो यार मीटिंग जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब मैं इसको फिर से सेम मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर से उस पर क्लिक किया हमने
और ज्वाइन विद कंप्यूटर एंड ऑडियो, सेम थिंग कुछ हमने जो की थी। और अब हम स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं, जो कि जैसे जैसे ज्वाइन करेंगे वो वापस से यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने दोबारा सेम लिंक पे क्लिक करके मीटिंग ज्वाइन करना चालू कर दिया है। तो आप अब नेक्स्ट 40 मिनट का सेशन इसमें कर सकते हैं। मैं अब इस मीटिंग को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए सेम आप एंड मीटिंग पे क्लिक करिए और एंड मीटिंग फॉर ऑल।